छोटा छोटा गोल बनाइए कि इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, क्या
घंटे कह रहे हैं, घंटे ना कि नहीं है, जितना पढ़ पाए मैक्सिमम घंटे ना कि नहीं। आप बस जो सो रहे हैं जो भी 5-6 घंटे और जो भी जरूरी जरूरी काम है बाकी सब पढ़ाई, घंटे ना कि नहीं है। कभी गोल बना के पढ़िए कि आज हमको इतना पढ़ना है, पेपर पे लिख दीजिए आज आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, तीनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन ये करना है, इसका रिविजन करना है, इसका ये करना है, बाकी गोल बना के पढ़िए। हालांकि पिछले साल हम लोगों ने हटा ही दिया था एसर्शन रीजन का, लेकिन इस साल प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन वहाँ पढ़ लिया था ना कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी इतना पढ़ लो, ये सब देखिए सेकेंडरी चीज होती है कि पेपर ऐसा आ गया वैसा आ गया, पेपर में जाके वहाँ डरना है ना। अगर आपने पढ़ाई की है कैसा भी आ गया आप अच्छा करके आएंगे, समझ रहे हैं ना। या सिर्फ IUPAC नाम जो रहता है वो बताएंगे, IUPAC नाम इसकी तैयारी कैसे करें। आगे पढ़ चुके हो, जो बोर्ड में पढ़े भूल जाओ, यहाँ जब पढ़ाया जाएगा बोर्ड वाला तब ना तुम्हें आए तो कहना, फिर वो सब बहुत आसान चीज है जो तुम पूछ रहे हो, ये सब ऐसे ऐसे निकालोगे। हाँ, ये जो बोर्ड में पढ़ के आए हो तुम वो अलग है, इतना पढ़ा देते हैं यहाँ क्वेश्चन आप इतने में करेंगे IUPAC का, तुम ऐसे ऐसे उठाओगे देख के क्वेश्चन होते हैं देख के, समझ रहे हैं ना। अभी लग रहा है जब पीछे पढ़ाएगा ना तो देख के क्वेश्चन होंगे, जो इतने नंबर सॉल्यूशन इसके करते थे ना वो देख के क्वेश्चन होंगे जब टीचर पढ़ाएगा। भैया जैसे पेपर आता है नीट का तो उसमें मतलब हर सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें भी टाइम मैनेजमेंट करना होता है ना, तो वो बता दीजिए। बायो में तो वैसे 35-40 मिनट लगते थे हमको करने में, लेकिन पेपर में हमको 55 मिनट लगे थे इस बार वाले में, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब मैं पेपर ही सबका टाइम लगा था, लेकिन मतलब वहीं पे थोड़ा कूल रहे कि डरना नहीं है कर लो। फिर हमने खोल के देखा केमिस्ट्री भी हो गई, फिर फिजिक्स खोल के देखा तो बहुत ही ज़्यादा आसान थी, तो बायो से कम टाइम लगा था हमें फिजिक्स में। बहुत सारे बच्चे जैसे इस चीज़ में बहुत से लोग डर गए कि जो है मेरा फिजिक्स छूट जाएगा, डर के मारे उनका और भी गलत हो गया। हम डरे नहीं, हमने कहा जो होगा अगर मेरे लिए टफ आई तो सबके लिए टफ आई होगी, अब आगे जाके हमको देखना है। वहाँ पे जो किया जाके देखा तो बहुत आसान थी, फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा आ गया कि हाँ, फिर जो क्वेश्चन छोड़े थे उनको देख लिया, जो छोड़ के गए थे वो भी सब हो गए। यानी एक चीज़ है कि NTA वाले जो पेपर बनाते हैं बैलेंस बनता है, हर जगह कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो पेपर हमेशा बैलेंस बनता है। अगर एक चीज़ टफ आई पिछली बार थोड़ा केमिस्ट्री वो फिजिक्स टफ कर दी थी, भविष्यवाणी तो हमारी होगी और क्या आना है कि नहीं। आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में क्या मतलब मिस्टेक रह गई थी जो सिलेक्शन रुक गया? फर्स्ट अटेम्प्ट ने तो लॉकडाउन ने बर्बाद कर दिया, घर चले गए थे, वहां तो जाके बस कुछ हुआ ही नहीं, घर में पढ़ाई थी, पुलिस नहीं आती थी, गली गली दौड़ाती थी, गली वाला सीन था कि चौराहे बैठते थे, पुलिस आई घर भागे, फिर आगे बैठे, मजा आई। लॉकडाउन में घर पे सही से पढ़ाई नहीं होती, इसके बाद सब लोगों को पता है घर का माहौल, वैसे घर पे ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती, अगर मिल रहा है माहौल तो सही है, वैसे घर पे ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती, क्योंकि जितने लोगों ने कुछ किया वो हमेशा घर छोड़ दिए। फिर उसके बाद 21 में तो बहुत ज्यादा मेहनत की थी कि अब की बार तो निकालना ही है, तो उसमें 2 नंबर से रुक गया, इस बार जो है ना शुक्रिया है ना। चाहे आप योगी जी को ले लीजिए, जब घर से गए तभी कुछ बन, चाहे आप प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, दीदी चले गए थे कहीं, यही सब जो है घर छोड़ के ही गए। आप डारेन साहब को लीजिए, घर छोड़ के चले गए है ना, किसी को ले के नहीं गए थे। हाँ, समझ रहे हैं ना, ये अकेले गए थे, उन्हें कि भाग गए थे घर से किसी को लेकर, तुम लोगों की तरह। हाँ, तो ये बाय हो, एक हौसला बनाओ, लोगों से सीखो, हमेशा अपने आप को जीरो समझो है ना, ओवर कॉन्फिडेंस बना रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करो, पढ़ाई को
तुम्हारे हाथों में किताबें दे दी गई। एक बहुत बड़ी गलती होती है फोन से दूर रहना। जितने ये अनयूजुअल ऐप्स हैं, इंस्टा है आपका, जो भी जरूर कीजिए, हटा दीजिए, बिल्कुल फोन से हटा ही दीजिए। कसम खा लीजिए एग्जाम के बाद ही इंस्टॉल करेंगे, ये बहुत बड़ा फैक्टर बनता है। इसमें रील से स्क्रॉल करते हैं आपका टाइम चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कि घंटा चला जाता है उसको। इधर दिखाना जरा उसको, यही बच्चा है जो सवाल पूछ रहा है, वही इंस्टॉल सब है उसके। अब डिलीट करवाते हैं उससे सब, बता दिया ना। डिलीट करना कोई मतलब सॉल्यूशन थोड़ी हुआ, मतलब ऐसा है कि डिलीट करते हैं मतलब हमारे कुछ पे कंट्रोल ही नहीं है, बैलेंस करना किसी चीज को सॉल्यूशन हुआ ना, मतलब तो आपके पास अपना एक मोटिवेशन होना चाहिए ना, आपके माँ बाप आपके मोटिवेशन होना चाहिए कि आपके घर के हालात आपके मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपके घर के हालात आपका मोटिवेशन नहीं हो पाए तो बेकार है, आपके आपके हालात आपका मोटिवेशन होना चाहिए। किसी को देख के मतलब ऐसा कुछ नहीं, बहुत जबरदस्त बात कही गई कि आपके हालात आपके माँ बाप आपको मोटिवेशन होना चाहिए उस दौरान जब आप भटक रहे हैं अपनी राहों से, तो आप उन्हीं को याद करिए, है ना। तो ये चीज़ें जो है, आप फ़ोन तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया है, खैर टिकटॉक बंद हुआ, रील्स आ गई इंस्टा पे, अब फेसबुक पे भी आने लगी है ना, और स्क्रोलिंग करने में बड़ा मज़ा आता है, पूरी पूरी रात चली जाती है, चार बज गया पता नहीं क्यों, सजर सबसे ज़्यादा सजर हंस रही है ना, तो चार बज गया, तीन बज गया, चलो अब सो लेते हैं, नींद नहीं आ रही है, बेटाइम हो गए हो, है ना, लेट उठोगे, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो इसमें क्या होगा, खराब हो जाओगे एक दिन तुम खुद, अगर ऐसे ही करते रहे फिर सोचोगे कि अब तो मेरा नहीं हो पाएगा, खुद कहोगे कि अब मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप राहों से भटक चुके हैं। और यही होता है मोस्टली बच्चों के साथ, अच्छे अच्छे बच्चे जो फर्स्ट रैंक ला रहे थे, सेकंड रैंक ला रहे थे, थर्ड रैंक ला रहे थे, वो भी सिलेक्ट नहीं होते, समझ रहे हो ना। अमन के साथ एक बच्चा टॉप करता था, उसके नंबर कम आ रहे, तो सब कुछ आपकी मेहनत के ऊपर है ना, मेहनत करते रहेंगे अच्छा करेंगे। सीधी सी बात, हम भी फोर्स नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, हम यहाँ अच्छा पढ़ा सकते, अच्छा सिखा सकते, अच्छा बता सकते हैं, है ना, राह दिखा सकते हैं, लेकिन आप जब हमारे यहाँ कितने घंटे, 6 घंटे दे रहे हैं आप, फिर उसके बाद आप अपने अपने घर चले जा रहे हैं, 18 घंटे आपके अपने साथ, फिर उस दौरान आप क्या कर रहे हैं, ये मायने रखता है। यहाँ जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं सब फुल डेडिकेशन के साथ आपके साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, डाउट हो कोई भी चीज़ हो, और मोस्टली बच्चे देखिए यूपी बोर्ड से आए हुए हैं, यही सब हीरा बनेंगे एक दिन, जो आज वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं देखना तुम, यही आज एक दिन बनेंगे।